जब आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? किसको देखते हो भाई, लड़के को लड़की को, किसकी बात कर रहे हो ये बताओ पहले। अच्छा बच्चे की। आजकल इस बच्चे के बड़े मजे लिए जा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों लिए जा रहे हैं मजे? क्योंकि ये ऐसे पुजारी वाली वीडियो बनाता है, मतलब भक्ति वाली वीडियो बनाता है। अभी इसकी जगह कोई लड़का गाली देता, रोस्ट करता, माँ बहन की गाली देता तो तुम कूल हो जाते, तुम कहते भाई आ गया समय रहना, छोटा समय रहना आ गया, तुम्हें बहुत कूल लगता। लेकिन अगर वही लड़का भक्ति वाली वीडियो बना रहा है, कह रहा है कि मैं पूजा करता हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। क्यों भाई, क्यों दिक्कत है? क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें कूल लगता है। सही बात, तुम गाली देना पसंद करते हो। चलो ये भी मतलब इतना भी गलत नहीं है जितना तुम बना रहे हो। क्या मेरा ठीक है? पहला क्या ख्याल आता है आप जब किसी को देखते हैं तो? हंसते हैं भाई, हंस देते हैं बस। शादी के लिए लड़की देखने गया था, अब वो कह रही है कि किसी से भी कर लूंगी, बस इससे नहीं करूंगी। गजब बेइज्जती है। दिवाली पे इस बार 5 दिए कम जलाएंगे, ठीक है? जो उसमें तेल बचेगा उसे एक लटके लगाएंगे, और जो पटाखे ना चलाने का ज्ञान देगा वो उसमें जम के बजाएंगे। बिल्कुल सही बोला भाई, आजकल ना बहुत ज्ञान देंगे, और ये ज्ञान पता कौन देगा? ये देंगे बॉलीवुड वाले, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो मतलब थोड़े बड़े हो गए हैं, वो ज्यादा ज्ञान देते हैं ऐसा। उनको लगता है कि दिवाली पे अगर तुम दिवाली मनाओगे ना तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगा, इतना पोल्यूशन हो जाएगा कि जितनी ये दुनिया भर की फैक्ट्रियां चलती हैं वो सारा साल नहीं करती जितना तुम एक दिन में कर देते हो, ऐसा ज्ञान पे लेंगे। और ये लठ उनके लिए रख लेना, अगर कहीं रास्ते में तुम्हें मिल जाए तो बचा देना। एबी क्रिक इन्फो, ये क्या कह रहे हैं भाई सचिन तेंदुलकर के बेटे के बारे में? अगर ये किसी और का लड़का होता ना, मैं गारंटी कर रहा हूँ अभी तक, ये उल्टा है हमारे यहाँ पे, ठीक है? पाकिस्तान में वो देखो टाटा 407 मोइन खान का लड़का है, देखो 8 की एवरेज लेके इतने मैच खेल गया इंटरनेशनल, हमारे यहाँ पे उल्टा हुआ पड़ा। ये अगर किसी और का लड़का होता अभी तक ये काफी मैचेस खेल चुका होता, पर क्योंकि ये सचिन तेंदुलकर का लड़का है अभी आईपीएल की 11 में पक्का नहीं हो रहा। लेकिन एक सेकंड, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अभी सचिन तेंदुलकर का बेटा अगर मैच खेल रहा होता, आईपीएल खेल रहा होता, या इंडिया के लिए भी सिलेक्ट हो जाता ना, तो तुम ही पहली वीडियो बनाते, या फिर बड़े बड़े रिपोर्टर वीडियो बनाते कि सचिन का बेटा है इसलिए सिलेक्ट हो गया। बाकी जो बड़े बड़े बॉलर हैं, मेहनती बॉलर हैं, टैलेंटेड बॉलर हैं, इनसे भी ज्यादा टैलेंटेड हैं, वो पीछे हैं, इनको मौका इसलिए दिया गया क्योंकि ये सचिन के बेटे हैं। दोनों तरफ दुनिया है ना, दुनिया के दोनों तरफ दांत हैं, जो आरी के दांत हो एक तरफ होते हैं ना, दुनिया के दोनों तरफ है। अगर तुम सीधा चलोगे तब भी तुम गाली खाओगे, और तुम उल्टा चलोगे तब भी तुम गाली खाओगे। ऐसा ही मेन है हार्दिक पांड्या के आईपीएल में, लास्ट आईपीएल में तुमने ही कहा था मेरा 33 नंबर, बहुत मजाक उड़ाया भाई तुमने हार्दिक पांड्या का, बहुत हद से ज्यादा उड़ाया। अब तुम भाई सही हो गए हो, यही है, फ्लो के साथ चलते हो तुम, फ्लो के साथ चलो, तुम्हारी मर्जी भाई। वो अमीर लड़के पसंद है, गरीब लड़के पसंद है? मुझे गरीब लड़के पसंद है। गरीब लड़के पसंद है? सारी लड़के तो बोलते हैं कि अमीर लड़के पसंद है। आप हाँ? आप गरीब बोल रहे हो? अमीर अच्छे होते हैं लेकिन गरीब लड़कों का दिल बहुत साफ होता है। क्या हो गया भाई, आप कैसे खड़े हो भाई? भैया मैं भी गरीब हूँ। गरीब रिश्ता पक्का। हेलो, इसे भी प्रद्युमन है। हेलो बाबा, उस साइकिल की तो मार टूट गई यार। क्यों रे भाई, ये मीम ना मैंने देखा, ये अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में बहुत चल रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक कैन चेंज एवरीथिंग। मैं ये मशाल तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूँ। कौन सी मशाल भाई? हाँ मशाल, तुम्हें ये मशाल अपने हाथों में लेना होगा। No, क्योंकि no, मेरा no, मन कहता no. है कि यही है वो हाथ। लेकिन जिंदा मशाल, गलत मत समझना, म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज एवरीथिंग। मैं तुमसे जो करवाना चाह रहा हूँ, पूरी दुनिया बाबू सोना में बिजी है, और मैं और मेरा झाटू दोस्त एक दूसरे को रील भेजने में बिजी है। सही है, टैग करो उस झाटू दोस्त को, तुम करो टैग। लौंडे रोएंगे बाबू, रिचार्ज कर दो ना, मेरा पैक खत्म हो गया।
सच में रोएंगे, ऐसा मैसेज देखकर ऐसा कॉल देगा कि रिचार्ज खत्म हो गया यार, पैसे कैसे नहीं है, और ये कह रही है रिचार्ज खत्म हो गया, रोएंगे यार। लौंडे के बाप भी रोएंगे क्योंकि पैसा तो उन्हीं का खर्च होगा। भाई तुम्हारे हंसने के लिए वीडियो बना रहे हैं, तुम इनका मजाक उड़ा रहे हो भाई, तुम्हारे हंसने के लिए बना रहे हैं। अभी यही दाऊ ना कपिल शर्मा शो में नाच रहे होते हैं ऐसा पहन के, तुम बहुत हंसते। न्यू डायलॉग अनलॉक्ड। तेरी माँ का वाला। अब देखो मैंने पहली वीडियो में बताया कि लड़का जो है वो भक्ति वाली वीडियो बनाता है, भक्ति में बता रहा है कि मैं पूजा करता हूँ, वो तुम्हें बुरा लगा। अब ये ताऊ जी ने गाली दी, तुम्हें अच्छा लगा ना? मजा आया ना तुमको? बस यही है सही बात। दोस्त के कहने पर अपने आईफोन 13 में iOS 18 अपडेट कर दिया, अभी तो पहली किस्त भी खत्म नहीं। ये करते हैं भाई आईफोन वाले ऐसे करते हैं, एक तो इंडिया में मोस्टली आईफोन जो है ना वो EMI पे खरीदे जा रहे हैं। अच्छा, जब तक उनकी EMI खत्म होती है ये अपडेट भेज देते हैं, और अपडेट में कुछ ना कुछ लैग, फोन हैंग या फिर ग्रीन स्क्रीन ऐसा इशू आ जाता है, और एक EMI खत्म नहीं होती दूसरी फिर शुरू करनी पड़ जाती है। थोड़ा जलवा भी तो दिखाना है, जलवा है हमारा। ये गरीब की माँ दूल्हे के गले में वरमाला डालो, खड़ा रहे सीधा करने की तरह। अगर आप नहीं झुके तो हमारी बहन चढ़ के डाल देगी। ये की बात है, चाहे ये झुक के डलवा ले चाहे आप चढ़ के डाल दे, क्या ख्याल है? क्या मतलब? व्हाट इज योर डेली रूटीन? रोज तो मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सब्जियाँ काटता हूँ। ये तो मेरी बात है। नहाता हूँ, धोता हूँ, बस। इसमें सिर्फ सब्जी नहीं काटता मैं, बाकी सब करता हूँ, नहाता धोता हूँ बस, खाता पीता बस। सही बात है। डिलीवरी लेते समय सील और वजन की जाँच करें, भाई सिलेंडर है वो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? रजे, बहुत बुरा लग रहा है मुझे आपके लिए। मेरे को नहीं लग रहा, पर बिग बॉस मेरे लिए। आपका फ्रस्ट्रेशन सही हो सकता है, आपका मुद्दा भी शायद सही हो सकता है, लेकिन आप उन घर वालों के सामने बात कर रहे हैं जिनको विवियन के खिलाफ कुछ भी बोलने में डर लगता है। भाई साहब ये डरे, मैं किसी के बाप का लेके खा नहीं रहा। भाई कुछ भी कह लो, रजत दलाल की वॉइस तो एकदम क्लियर है, एकदम मतलब ऊंची आवाज है, जैसा उनका कद है, हाइट है, वैसा ही उनकी आवाज है, एकदम ठीक होके बोल रहे हैं। जो भी होगा देखा जाएगा, कहीं से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। भाई बिग बॉस देख रहे हो तुम, लेकिन इतना मजा आ नहीं रहा, रजत दलाल की मीम्स आ रहे हैं, बस एक दो बंदे हैं जो उसमें चल रहे हैं, बाकी चलो अभी तो स्टार्ट है, देखो क्या करते हैं आगे बिग बॉस। भाई वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।